नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है और डिप्टी सीएम पद को लेकर जो सवाल आज पूरा दिन बिहार के सियासी गलियारों में टहलता रहा, एक सस्पेंस जो लगातार बना रहा, वो भी खत्म हो गया है। सुशील मोदी ने एक ट्वीट कर इस तस्वीर को पूरी तरह से साफ कर दिया कि वो बिहार के अगले डिप्टी सीएम नहीं होने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि कार्यकर्ता का पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इस वक्त हम बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी के आवास पर हैं। सरकार में एनडीए में जीतनराम मांझी की भूमिका बेहद अहम है, महत्वपूर्ण है और सस्पेंस बना हुआ है कि सरकार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की भूमिका क्या होगी, इनके विधायकों की भूमिका क्या होगी, क्या डिप्टी सीएम का पद मिलेगा या कोई अहम मंत्रालय मिलेगा। तमाम तरह के सवाल हैं और गहमागहमी बढ़ी हुई है, हलचल तेज़ है। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के आवास पर अभी बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, वो मिलने पहुंचे हैं सुशील कुमार, माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी से। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, दोनों नेताओं की मुलाकात अंदर चल रही है और जाहिर है सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो नहीं पा रहा है। कल शपथ ग्रहण है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। डिप्टी सीएम को लेकर भी तस्वीर तकरीबन साफ हो चली है। तारा किशोर प्रसाद और जो कई नाम हैं वो चर्चा में हैं। जीतनराम मांझी के आवास पर नेताओं की मीटिंग हो रही है, बीजेपी के नेता मिलने पहुँचे हैं नवल किशोर प्रसाद। तो इस मुलाकात को लेकर, इस मुलाकात पर हमारी नज़र है, जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।